और जो आज चौमा शहर जीता है 51 रनों से, तो क्या कहेंगे भाई, जो कैसे ये ग्राउंड लगा, और जो इसके बाद आपका दूसरा राउंड चालू होगा, जो यहाँ आईपीएल तक के बड़े बड़े खिलाड़ी आते हैं, मेरठ, यूपी, लखनऊ, दिल्ली, चंडीगढ़ के खिलाड़ी आते हैं, तो इसी टीम के साथ खेलना चाहेंगे अगले टूर्नामेंट, या कुछ चेंजिंग करेंगे अपनी टीम के लिए? टीम में पहली बात तो ये सीख रही जो टूर्नामेंट करवा रही है झांसी ग्राम संघ के लिए धन्यवाद। और टीम में चेंजेस तो होंगे, जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप आगे जाएंगे तो बिल्कुल चेंजेस होते रहेंगे। बट थोड़ा सा एक बार मैनेजमेंट को एक बात है कि यहाँ पे अगर जैसे कि प्रॉपर ड्रेस से अगर कोई खेले तो और भी अच्छा लगेगा। वैसे आसपास के एरिया में सबसे अच्छा टूर्नामेंट आप लोग ही करवाते हो तो उसके लिए भी धन्यवाद। और ऐसे ही टूर्नामेंट करवाते रहो, ऐसे ही लोग जितना भी आने वाला जो टैलेंट है वो ऐसे ही आगे आएगा। तो यहाँ के जो मैनेजमेंट है उनके लिए धन्यवाद दिल से। धन्यवाद आपका। और एक और मैं कहूँगा, क्योंकि जो अभी तो फर्स्ट राउंड चल रहे हैं, जो अगले जो सेकंड राउंड चलेंगे, जो बड़े बड़े खिलाड़ी आएंगे ना, वो अपनी ड्रेसों के साथ ही खेलेंगे, गुड। क्योंकि अभी तो फर्स्ट राउंड है। और आपने पहली बार ये टूर्नामेंट खेल रहे हैं या दूसरी बार आए हैं? नहीं, मैं तो जितने भी टूर्नामेंट सब में खेल के गया हूँ। अच्छा, तो आपने पहले देखा होगा फार्म टैग और बुलेट पे बिल्कुल था, बिल्कुल। हाँ और हाँ आपके फार्म टैग की जगह हमने बोलेरो रखी है, बोलो। तो क्या कहेंगे? प्राइस बहुत अच्छा है और उतना ही अच्छा यहाँ पे देखने को टैलेंट भी मिलता है। हर साल कोई आईपीएल से आता है, कोई रणजी खेला हुए प्लेयर, तो प्राइस के अकॉर्डिंग तो यहाँ प्लेयर अच्छे आते हैं। उसी हिसाब से यहाँ का मैनेजमेंट भी अच्छा है, जिस हिसाब से देखते हैं कि लोग बाग बहुत ही आराम से इस मैच को देखते हैं। और उसके लिए भी जो यहाँ के लोग बाग हैं वो थोड़ा उनको भी मच्योर होना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा शांति में रखेंगे तो ही यहाँ पे लोग बाग खेलने के लिए आ पाएंगे। नहीं बिल्कुल, यहाँ तो जो है पहले भी बहुत तगड़ी भीड़ हुई थी, जो फाइनल का मुकाबला हुआ था यहाँ गोपालगढ़, कम से कम 9 किलोमीटर वहां तक जाम लग गया था। इधर कम से कम 9 किलोमीटर हमारे राजेंद्र बिरा पहले टीम हुआ करती थी, इन्होंने ही सिखाया है टीमों को बाहर से लाने के लिए, पिंड पुनाल से ही ये इन्होंने 2002 में स्टार्ट किया था बाहर के प्लेयरों को लाकर। धन्यवाद, थैंक यू धन्यवाद। भाई।